वेलकम टू द मिस्टर मेहमान चैनल। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको तो पता होगा कि मैं स्टीम इंजन, एयर इंजन ऐसी अलग अलग इंजन बनाते रहता हूँ मेरे चैनल पर और वीडियो लाते रहता हूँ। इस वीडियो में मैं एकदम सिंपल एक इंजन बनाने वाला हूँ जो बनाने में बहुत ही ईजी होगा। आप इसे प्लास्टिक सीरेंज से बना सकते हो और इसका पिस्टन आपको कैपेसिटर का मिलेगा और आप अलग अलग पिस्टन बनाकर इस इंजन को बना सकते हो। और ये इंजन पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही होगा, इसमें मैंने आयरन के पार्ट ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं और ये स्टीम से नहीं चलेगा क्योंकि प्लास्टिक का है पूरा। तो ये इंजन हमारे हवा से चल सकता है, एयर कंप्रेसर से चल सकता है और ये इंजन बहुत ही छोटा है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, बनाने में भी बहुत सिंपल है और वर्क करने में भी बहुत ही सिंपल है इंजन। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे इंजन की तरफ। तो इस इंजन को बनाने के लिए चाहिए हमको एक प्लास्टिक सिरिंज और मैं इसमें कैपेसिटर का यूज़ कर रहा हूँ। पिस्टन की तरह आप अलग अलग कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये है एक मैग्नेट का कैपेसिटर, आप इसका भी यूज़ में ले सकते हो। और ये है इसका रबर का पिस्टन, ये मैं पैक करने के लिए लूँगा जिससे हवा लीक ना हो। और ये है इसका फ्लाईव्हील, मैंने ये प्लास्टिक शीट को पिघला कर मेल्ट कर बनाया है। और ये देखिए इसका ये क्रैंकशाफ्ट का कनेक्शन है, तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे आसन से लग जाएगा। और ये है एक फैन, आप इसको फ्लाईव्हील की तरह यूज़ कर सकते हो। और मैं लाइटर से इसकी बॉडी बनाऊंगा पूरी इंजन की और इसमें हवा देने के लिए मैं ये पाइप का यूज़ करूंगा। और ये इसका पार्ट, कुछ पार्ट्स है जो इसमें अटैच होंगे बाद में। और ये है मेरे सभी पार्ट्स, मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमारा इंजन रेडी हो चुका है। आपको मेरा इंजन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो ये इंजन बहुत ही छोटा है और आप भी इसे बना सकते हो, हर कोई इसे बहुत ही आसानी से बना सकता है क्योंकि ये इतना सिंपल है। तो इसमें एक छोटा सा फ्लाईव्हील लगा है प्लास्टिक का और सिलेंडर लगा है जो कि सिरिंज का है, प्लास्टिक सिरिंज का। और कैपेसिटर मैंने पिस्टन के रूप में यूज़ किया है, तो एकदम सिंपल है। और इसमें मैंने बेयरिंग नहीं लगाई है, तो इस पाइप से हम इसमें हवा देंगे। तो अभी आप इसकी वर्किंग देख लीजिए और इस कैसे बनाते हैं मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी अगली एक वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।